उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब अपराधियों को पुलिस का भी डर नहीं रहा, जिसकी बानगी शाहजहांपुर में देखने को मिली, जहां पैसों के एक लेन देन के चलते दबंगों ने एक युवक को घर के साथ ले जाकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। कैसे आपको गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला? ऐसा हम उसके साथ में थे, हम चले गए थे अलग, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ से पहुँचा है मार्केट में, तो इसके गोली मारी गई। कौन है जिसके गोली मारी गई है, कौन है? ये मेरा दोस्त है शालू, शकील अगे ये सब लोग थे। किसने मारी है गोली? शकील ने। क्या मामला क्या था, किस बात को लेकर के लड़ाई थी आप लोगों? इन लोग की कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई इस बात की थी सिर्फ पैसों लेन देन था थोड़ा बहुत, बस इस बात पे गोली मारी। पुलिस को लेकर के क्या बता रहे थे आप? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जब मेरे चोट लगी टाके लगे मेरे पांच, कोई पुलिस उनके घर पे नहीं पहुंची अभी तक। इसकी सूचना जो आज गोली मारी गई, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? अभी ही अस्पताल से हुआ से यहाँ दी गई बस, बाकी जो चोट मेरे लगी। क्या आज पुलिस यहाँ आई थी? अभी पुलिस वाले आए थे। घटना थाना सदर बाजार के गदियाना की है, जहां शालू नाम के युवक का पैसों का लेन देन चल रहा था। बीती रात शकील अपने साथियों के साथ आया और शालू को घर को बुला कर ले गया और गोली मार दी। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। सानू सनाफ सुहान अहमद है, गदियाना के रहने वाले हैं। इनको रात को 8 बजे के पेट में गोली लगी है, साइड में गोली एंट्री एग्जिट हो गई है। साथ में इन्होंने रात में जब इनसे बयान लिया गया तो इन्होंने बताया कि हमारी पहले पैसे का लेन देन था, उन्हीं से लड़ाई हुई थी। रात को लोग मुझे बुलाकर ले गए थे और उन्हें गोली मार दी। इनके द्वारा जो भी नाम बताया गया उन पर मुकदमा लिख दिया गया है, साथ ही हर तथ्य का पड़ताल की जा रही है, उसके अंदर विधिक कार्रवाई की जा रही है। SPNI न्यूज के लिए शाहजहांपुर से तैयब हसन की रिपोर्ट।